अच्छा अब अच्छा एटॉमिक सिस्टम हमने पढ़ लिया ना। अच्छा क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा, पेरेंट्स सबके आसपास रहने चाहिए, पेरेंट्स सबके आसपास रहने चाहिए, और दो दो क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा। दो क्वेश्चन से बस अंदाजा हो जाएगा कि लोगों ने पढ़ लिया जब तक। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा लेकिन थोड़ा सा रुक करके अभी। अच्छा एक एक करके मैं नाम बोलूंगा, पेरेंट्स साथ में होने चाहिए जरूर। पहले अक्षत यस साथ में कौन है? सर। और बाकी बच्चे भी क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं चलेगा अभी। अक्षत यस हाँ साथ में कौन है? सर। अक्षत बोल जल्दी, सिस्टम एक और बात करा दे। अक्षत हम 2 मिनट मैम इसके साथ रहना, 2 मिनट। दो मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस इसको आता है कि नहीं आता ये चेक करना है। अक्षत पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना अक्षत। अक्षत एन प्लस एल रूल क्या होता है? अक्षत एन प्लस एल रूल क्या है? अक्षत नहीं आता इसका मतलब। अक्षत नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? अक्षत नहीं आता फिर इसका मतलब। नेक्स्ट स्टेप है, हेलो हाँ बोलो। नेक्स्ट अंशिता, यस सर। अंशिता एक तो तुम सब बच्चों के ना मार्क्स लिखते रहना, मैं नाम जो बोल रहा हूँ ना, अक्षत के 0 लिखने हैं, तो 10 में से मार्क्स लिखने हैं सबके, लिखते रहना ओके साथ सर। साथ, सही है? हाँ तो अंशिता तुम बताओ मेरे को, हंट प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, साथ में कौन है अभी? सर मम्मा एक और बात करा दो। हेलो सर। जी हाँ मैम 2 मिनट इसके साथ रहना बस। हाँ अंशिता जी अंशिता बिल्कुल। तुम बोलो मेरे, हाँ अंशिता तुम बताओ मेरे को, हंट्स रूल ऑफ, हाँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर हंट्स रूल है कि मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी एंड डी एफ सब शेल्स कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एंड अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, और इट इज कॉल्ड मैक्सिमम मल्टीसिपलिटी बिकॉज आउट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्फिगरेशन इन अ गिवन एलिमेंट ओनली दैट कॉन्फिगरेशन इज करेक्ट हुज स्पिन इज मैक्सिमम। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोलो, एनर्जी ऑफ एनएच शेल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, एनर्जी ऑफ एनएच शेल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। जूल पर मोल सर नहीं आता है। अंशिता ये आना चाहिए ना, एनर्जी के फॉर्मूले तो सारे पता होने चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी ऑफ एनएच शेल का फॉर्मूला। नहीं अंशिता ये आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। अंशिता लिस्ट बनाना प्रॉपर, 10 में से 5 ओके लगाना आपने, 10, हाँ 10 में से 0 अक्षत के। नेक्स्ट बाकी बच्चे भी क्वेश्चन सुनेंगे ढंग से। नेक्स्ट अर्नव, सर। अर्नव साथ में कौन है? कोई सर अभी तो कोई नहीं है, मम्मा पापा नहीं कुछ दोनों को। नहीं होता अर्नव, ऑनेस्ट रही हो, आंसर उसी वक्त देगा तो तूने पढ़ा है, नहीं तो नहीं मानूंगा, सही है? यस सर, यस सर। हाँ तो मेरे को बता, हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? सर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट एन इंस्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई टू।
डेल्टा एक्स बोला ना सर, डेल्टा एक्स, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बता, एनर्जी ऑफ एनएच शेल का कंप्लीट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ एनएच शेल का कंप्लीट फॉर्मूला सर 2π² ME की पावर 4z² ओवर n²h² माइनस में, हाँ माइनस जरूर बोलना है, -2π² ME की पावर 4z² / n²h², परफेक्ट आंसर है। अंशिता इसके 10 अर्णव के 10 में से 10, ओके सर। नेक्स्ट अर्णव के बाद देवांशी, यस सर। देवांशी साथ में कौन है सर? अभी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो देवांशी उसी वक्त आंसर दोगे तो मैं मानूंगा तुमने पढ़ाया, नहीं तो फिर मैं क्रॉस कर दूंगा, सही है? ओके सर। हाँ तुम बताओ, ऑफवर्स रूल बताओ, ऑफवर्स रूल। नहीं आता। नेक्स्ट बताओ तुम, आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। हाँ सर 2 Fe2+, हाँ अंशिता नहीं आता, सॉरी अंशिता नहीं, अंशिता इसके नहीं, देवांशी इतना टाइम थोड़ी लगता है, देवांशी इतना टाइम, हाँ बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? दो। कैसे आए हैं? नहीं देवांशी नहीं आता, 3d6 है तो 4 अनपेड होंगे ना, देखो करके एक बार। हाँ ये सर 4 होंगे। फिर समझिए कि नहीं, ये अंशिता, अंशिता यस सर, 10 में से 2 मार्क्स है देवांशी के। ओके सर। नेक्स्ट कृष्णा। हाँ सर। साथ में कौन है? हाँ सर मैं सर। हाँ सर साथ में कौन है? मेरी मम्मी। अच्छा सर। हाँ कृष्णा ध्यान सुनियो, मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है, मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जल्दी से एक्सप्लेन करना है। सर मिलिकेंस ऑयल ड्रॉपलेट में सर एक बीकर लिया था हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लिया था, जो पॉजिटिव प्लेट था उसके ऊपर हमने ऑयल ड्रॉपलेट रखे हुए थे और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में हमने एक वैक्यूम रखा हुआ था, वैक्यूम था। फिर हमने जब हमने एक ऑयल ड्रॉपलेट को जो है एक मतलब होल के थ्रू जो है उस वैक्यूम में लेकर आए और फिर एक्सरेज हमने जब उस वैक्यूम में डाली एक जैसे और उसके कारण जो है फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स पे जो है अटैच हो गए उस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। हमने फिर जो है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स QE और MG हमने इक्विवेलेंट कर दिया था जिसके कारण वो जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो उसी जगह रहा था अपने पोजीशन पर ही और उसके कारण से हमने जो Q is equal to NE के कारण हमने फिर इसका E = 1.6 × 10⁻¹⁹ ये कैलकुलेट कर लिया था। अब मेरी बात सुन, तूने बोला कि अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, अगर वैक्यूम क्रिएट किया था तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए फिर? सर उसमें HE था ना सर, अंदर HE था तो फिर वैक्यूम कहां रहा? एयर बोल, एयर थी अंदर, समझा कि नहीं? है वैक्यूम नहीं था, एयर थी अंदर। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुन। हां नेक्स्ट क्वेश्चन सुन, हां तेरे को बताना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला। क्या सर? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट सर आ जाएगा सर 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही है। 4s के लिए लास्ट क्वेश्चन, 4s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 4s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मैं h क्रॉस √LL+1 तो इसका हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अंशिता इस कृष्णा के भी 10 में से 10 लगाना है। ओके सर। नेक्स्ट गर्व। यस सर। याद किया हुआ है? यस सर, बस एक्सपेरिमेंट्स वाइज नहीं करे सर। नहीं सारा पढ़ना है गर्व, छोड़ना नहीं कुछ भी, देखो अभी 10th में है, 10th में रहके सारा पढ़े तो नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर तू क्वेश्चंस करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर एंजॉय करेगा केमिस्ट्री को, छोड़ना नहीं कुछ भी, एक्सपेरिमेंट मैं तेरे से नहीं पूछता हूँ लेकिन आना चाहिए वो भी।
अच्छा गर्व तेरे को बताना है मेरे को, तू बता एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सर एजिमिथल क्वांटम नंबर एल होता है और वो शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल और सर वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, नहीं एनर्जी नहीं सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल बताता है। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का क्या होता है? सर एच क्रॉस मतलब एच बाय टू पाई रूट एल इन टू एल प्लस वन। बिल्कुल सही है। अगर 4D है तो क्या वैल्यू होगी इसकी? सर एक मिनट, सर रूट सिक्स एच क्रॉस, रूट सिक्स एच क्रॉस गर्व यही है। यस सर बिल्कुल सही है। अंशिता इसके भी गर्व के भी 10 में से 10। हिमांशु ओके सर, यस सर। साथ में कौन है? अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है तो उसी वक्त आंसर देगा तो फिर क्लियर है, नहीं तो नहीं, सही ना? उसी वक्त आंसर देना है। अच्छा तो हिमांशु तू बता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है? सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सर ऑर्बिटल्स के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा। फाइव डी सबशेल है, इसमें कितने प्लेनर नोड्स होंगे, कितने इसके अंदर रेडियल नोड्स होंगे, कितने प्लेनर नोड्स होंगे, कितने रेडियल नोड्स होंगे फाइव डी सबशेल? यस सर निकाल लो। फाइव डी ऑर्बिटल के अंदर कितने प्लेनर नोड्स हैं, कितने रेडियल नोड्स? नहीं आता है। अंशिता यस सर 10 में से 1 मार्क्स है इसका। हिमांशु को सर 2 प्लेनर नोड्स होंगे। कैसे आया है? सर जितने वो होते हैं ना सर उतने सबशेल उतने वो होते हैं प्लेनर नोड्स, जितने सबशेल, सबशेल तो एक ही है, ये 5D तो एक ही सबशेल है ना। नेक्स्ट कनिष्क। यस सर 5F सबशेल कितने प्लेनर नोड्स हैं, कितने रेडियल नोड्स हैं 5F सबशेल? क्या 5F सबशेल में? हां 5F सबशेल में प्लेनर नोड्स होंगे सर 3 और रेडियल नोड्स होंगे सर 1। कनिष ये आंसर ना पूरा सही नहीं है, खुशी होता। नेक्स्ट बताएगा, नेक्स्ट बताना है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रीजन क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रीजन क्या है? सर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रीजन होता है सर वो सर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सर, अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस में जैसे एक्सेप्शनल होता है और सर हाफ एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो सर उसको वो भी रीजन होता है। एक्सचेंज एनर्जी नहीं है तो बोला तो एक्सचेंज एनर्जी की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ज्यादा होते हैं। अच्छा सही सही है। एक बार सोचना कनिष्क, मैं अगर 5F ऑर्बिटल बोलता ना तब तेरा आंसर सही था, जो तूने आंसर दिया एंगुलर नोड्स और प्लेनर नोड्स। यस सर सबशेल में नहीं है सर। अभी मैं 5F सबशेल समझे नहीं, अभी मैं पूछूंगा और किसी से भी ध्यान दियो। अंशिता 10 में से 9 कनिष्क के, नेक्स्ट नवीन। यस सर। साथ में कौन है? सर अभी नहीं है कोई। कोई नहीं है
सर उसी वक्त आंसर देगा तो सही है नहीं तो गलत है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से मतलब एक ऑर्बिटल में एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होगा? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन वो सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग ऑल सेम क्वांटम नंबर्स एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, नेक्स्ट क्वेश्चन बता मेरे को तू। हीलियम प्लस का सेकंड शेल है, ध्यान सुना, हीलियम प्लस का सेकंड शेल है तो एनर्जी कितनी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में? हीलियम प्लस का सेकंड शेल है, एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में? सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है नवीन। अंशिता 10 में से 10 नवीन के भी। देखो 10th वाले जो बच्चे हैं दोनों के पूरे पूरे करेक्ट हैं, गर्व का भी सारा सही है और नवीन का भी सारा सही है। निधि? यस सर। निधि तुमने एक बार सुनाया हो ना मेरे को? यस सर सुनाया है, सुना रखा है। चलो मेरे को बताओ निधि, ई बाय एम चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? यस सर 1.76 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर केजी। बहुत अच्छे। फिर अब अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस v से, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो वेवलेंथ का फार्मूला एक डायरेक्ट था, वो क्या आया डायरेक्ट फार्मूला? यस सर 12.27 आर्मस्ट्रांग इनटू आर्मस्ट्रांग डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वोल्ट। तो डेफिनेशन थोड़ा सा और ढंग से बोलो निधि, सही ना? डेफिनेशन और प्रॉपर होना चाहिए पेपर में, डेफिनेशन हाँ प्रॉपर होना चाहिए। अंशिता 10 में से 10 है निधि के। नेक्स्ट निशि, हाँ निशि तुम बताओ मेरे को, रदरफोर्ड ने गोल्ड की थिन फॉइल ली थी, उसके तीन रीजन बताए मैंने, तीनों रीजन बताओ। सर वो मोस्ट मैल्यूबल होता है तो उसकी गोल्ड फॉइल बहुत थिन बन जाती है, और गोल्ड का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है जो कि अल्फा पार्टिकल्स से रिक्वायर्ड होता है, और गोल्ड नोबल मेटल है तो वो ऑक्साइड लेयर फॉर्म नहीं करता। बिल्कुल सही। साथ में कौन है अभी? सर कोई नहीं है। नहीं है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ। ये तो परफेक्ट आंसर था बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तुम। चलो एनर्जी का कंप्लीट फॉर्मूला बोलो एनएच सेल का। निशि फॉर्मूला बोलो कंप्लीट। सर याद नहीं है। नहीं याद है निशि, पूरा ढंग से करना है, ये तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं तुमसे, बिल्कुल याद होना चाहिए ना ये तो। ये अभी मैंने पूछा भी है किसी से ऊपर, ये मैंने उससे पूछा था अर्नब से, आना चाहिए था ये। -2π² ME की पावर 4z² बाय में n²h². चलो 10 में से 5 अंशिता, 10 में से निशि के 10 में से 5 अंशिता। यस सर। 10 में से 5 है निशि। ओके सर। अच्छा हाँ निवृत्ति। यस सर। साथ में कौन है? सर अभी तो बस भाई बैठा है कोई नहीं। चलो कुछ नहीं, उसी को बुला लो, सामने रह के देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना, सही है? ठीक है सर। हाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सबशेल क्या होगा फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सबशेल
सर वो फॉर्मूला बताना है या फिर वैल्यूज बतानी है? फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला सर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। नहीं ये नहीं, मेरे को सिंपलीफाइड फॉर्मूला चाहिए, सिंपलीफाइड फॉर्म में जैसे आर का होता है 0.5। हां 2.18 into 10 raised to the power 6 z square upon में n meter per second। एक बार और सोच लो। यस सर, z square नहीं आएगा, z upon n आएगा। हाँ तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, z upon में n meter per second। meter per second। z upon n बिल्कुल सही है। next बताओ तुम, principal quantum number क्या information देता है? सर size of orbital। साइज ऑफ ऑर्बिटल सर शेल, साइज ऑफ शेल। मैं बोलती ढंग से थ्योरी नहीं पढ़ी ढंग से, और भी है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो देता है सर है, साइज साइज ऑफ शेल देता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और एनर्जी भी बताता है शेल की। हां और एनर्जी ऑफ एनर्जी बताता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ एनर्जी एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ क्यों बढ़ेगी जबकि एन तो इन्वर्सली है? सर क्योंकि वो माइनस में है ना, साइन माइनस माइनस का इस वजह से। बिल्कुल सही निवृत्ति, बिल्कुल सही है निवृत्ति के। अंशिता 10 में से 10 निवृत्ति के। नेक्स्ट उज्जवल, उज्जवल गुप्ता। यस सर। उज्जवल मेरे को बताना, बहुत ध्यान सुनना क्वेश्चन। नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी 2s सबशेल में? नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी 2s सबशेल में जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कर्व प्लॉट करेंगे? वन कैसे सर, क्योंकि 2s है और 1s में 0 आती है, 2s में 1 आएगी क्योंकि जब हम पहले इंफिनिटी तक जाएगी फिर कम होके वापस ऊपर आएगी पीक। अच्छा उज्जवल शर्मा तू आंसर कर इसका। उज्जवल शर्मा यस सर। 2s सबशेल में कितनी पीक्स आएंगी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के कारण? सर 2। हाँ 2 कैसे सर? रेडियल प्रोबेबिलिटी है सर, उसमें हम 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका कर्व वो 0 से स्टार्ट होता है। हाँ 0 से स्टार्ट होता है, दो पीक्स आती हैं उसका, वो क्या आता है? उज्जवल गुप्ता तू बताएगा मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या आता है इसका? उज्जवल गुप्ता सर 2.7। उज्जवल शर्मा बताएगा क्या आएगा सर 2s के लिए? हाँ सर, सर सर 2 एमस्ट्रॉन्ग। नहीं 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 तेरा भी एक सही है। 2p के लिए बता उज्जवल, तू बता उज्जवल शर्मा। सर 2.7। 2.7 उज्जवल गुप्ता बताएगा? 2.1। 2.1 हाँ ये सही है तेरा। उज्जवल तेरे दोनों के 5 मार्क्स। उज्जवल तेरा वो गलत था, नंबर पीक समझ गया उज्जवल गुप्ता? यस सर समझ गया, गलत बोल दिया सर मैंने, नीचे टच करने का पॉइंट गलत बोल दिया। उज्जवल तू मेरी उस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे, हल्का सा ना सोच कर बोला कर आंसर। मैंने तेरे को उस दिन भी बोला था ना यही चीज कि तू बहुत जल्दबाजी करता है, अच्छी बात है जल्दबाजी लेकिन ऐसा ना हो कि गलत हो जाए तेरा आंसर। सॉरी उज्जवल की नहीं। हाँ इसी का ध्यान दे। साथ में कौन था? साथ में कौन था सर? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं उज्जवल शर्मा के साथ? सर कोई नहीं। चलो कुछ नहीं, तुम दोनों तो सही हो तो कर लोगे। अब उज्जवल गुप्ता के भी 5 हैं और उज्जवल शर्मा के भी 5 हैं। उज्जवल ढंग से पढ़ाई कर, गलती मत कर। यस सर सॉरी सर। हाँ नेक्स्ट वेदांत। यस सर। वेदांत से लास्ट में पूछूंगा, अभी रुक जा। अनुष्का। यस सर। अनुष्का ढंग से पढ़ाई की है? हाँ जी सर। साथ में कौन है? सर अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, चलो एक बार पे आंसर दोगे तो पढ़ाई, नहीं तो नहीं। यस सर। हाँ
ढंग से आंसर देना, गलत मत बोलना। चलो मेरे को बताओ तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के चार पॉइंट्स हैं, फास्ट आंसर दो, चार जो इसके फीचर्स हैं तारों का बताओ। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, सर वो रेडिएंट एनर्जी हैज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड it does not require any medium for propagation. बहुत अच्छे। सर उसमें वो electric and magnetic field होती है perpendicular पे। बिल्कुल सही है। और तो याद नहीं आ रही। चलो एक तुम्हारा miss हुआ है, वैसे ही है। वो continuous वाला point भूल गए। Radiation emitted from any source are in continuous form. Major तो वही था ना point? हाँ सर वो कंटिन्यूअस वाला, ठीक है वो जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ना? ओके सर। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज आती है ना उन सबके नाम बताओ। जब हम करंट पास करते हैं इसमें लो प्रेशर पे तो सबके नाम क्या थे? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर, कलर के नहीं, सीरीज के नाम, सीरीज। अच्छा सर, सीरीज के अच्छा ठीक है सर, वो बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीपन सीरीज। बहुत अच्छे। अब बताओ मेरे को रेडबर्ग्स फार्मूला क्या था? सर रेडबर्ग्स फार्मूला था v बार इज इक्वल टू r z स्क्वायर इनटू 1 बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r की वैल्यू क्या होती है? सर 109677 पर सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। क्या नाम है ये अनुष्का, सॉरी अंशिता? यस सर। 10 में से 9 अनुष्का। अनुष्का ऐसी पढ़ाई किया करो अनुष्का। यस सर। ऐसे पढ़ना, देखो दो बार सुनाने से ना फर्क पड़ता है। सुनाया था ना कल परसों तुमने? हाँ जी सर, कल सुनाया था। हाँ तो इस चीज का ध्यान रखो, जो चैप्टर यहाँ पे सुनाने से पहले तुम मेरे को जरूर सुना दिया करो पहले। ओके सर। ऐसे पढ़ाई करो तो अच्छा लगता है। फिर 10 में से 9 मार्क्स हैं, फिर सही है और पूरे होने चाहिए, बस कंटिन्यू पहला पॉइंट भूल गए तो उधर। यस सर। हाँ अब वेदांत। यस सर। हाँ वेदांत वाले क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। वेदांत तेरा पहला क्वेश्चन है, n इज टू 3 में यानी थर्ड शेल के अंदर कितने एंगुलर नोड्स होंगे? पहला क्वेश्चन तेरा ये। दूसरा क्वेश्चन भी सुन ले। साथ में कोई है वेदांत? नहीं सर, साथ में कोई नहीं। कोई नहीं, कुछ नहीं होता। पहला क्वेश्चन क्या है, n इज इक्वल टू 3 में कितने प्लेनर नोड्स होंगे? सही है वेदांत? यस सर। दूसरा क्वेश्चन है तेरा, अगर l की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 टू n प्लस 1 हो जाती है, सपोज l की वैल्यू 0 टू n प्लस 1 हो जाती है, सारे रूल्स लग रहे हैं, उसके अलावा सारे रूल्स लग रहे हैं, चाहे वो ऑब्बो रूल है, चाहे हंट्स रूल है या पॉलीज, सबको फॉलो करना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ तो बताना तेरे को कि फर्स्ट अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी? फर्स्ट अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी जिसमें 2s1 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 2s1 होता है ना, वो तेरे को लाना है। और दूसरा इसी के अंदर पोटेशियम कौन से ब्लॉक में हो? मेरा क्वेश्चन क्लियर है वेदांत? यस सर। बाकी सब बच्चे भी ट्राई करेंगे। और वेदांत तेरा एक कम से कम करेक्ट जरूर होना चाहिए, दोनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वेदांत क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। वेदांत तेरे पास टोटल टाइम है 4 मिनट का। यस सर। चलो ट्राई कर लो, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। n इज टू 3 में कितने प्लेनर नोड्स होंगे? अर्नव क्लियर हो गया? n इज टू 3 में कितने प्लेनर नोड्स होंगे? ओके सर।
सर हो गए। विधान दोनों हो गए? यस सर। बहुत अच्छे विधान, विधान देख ले, पूरे वाइस करना तो वाइस कर ले, कंफर्म है। अक्षर सर भी देख रहा हूँ विधान सर, चल विधान। बाकी बच्चों ने भी ट्राई कर लिया सबने? चल विधान पहले का आंसर बोल सर। थ्री एंगुलर नोड्स आ रहे हैं। थ्री एंगुलर नोड्स या थ्री नोडल प्लेन्स, एक ही बात है ना, नोडल प्लेन्स भी यही होंगे। यस सर। चलो और दूसरे का आंसर सर। फर्स्ट सेल के लिए मेटल की कॉन्फ़िगरेशन आई है 1s2 1p1। 1s2 1p1। यस सर। मैंने कहा ना सर कि उसमें वो तो p ब्लॉक का हो जाएगा ना, अल्फी मेटल लेने s ब्लॉक आना चाहिए, 2s1 आना चाहिए उसमें। नहीं समझा वेदांत सर। अल्कली मेटल तो वो होंगे ना जो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। फर्स्ट ग्रुप में मैंने बोला 2s1 उसमें जरूर आए, अल्कली मेटल एस ब्लॉक के होते हैं ना इसलिए। अच्छा सर, मेरे को लगा वो सेकंड क्वेश्चन है, तो उसका सोडियम। हाँ, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सर? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 1p6 2s2 और 2p1। नहीं यार वेदांत सर, 1s2 2p0 2s1। 2p0 क्यों सर? क्योंकि हमको 2s1 के अंदर तो चाहिए ही चाहिए, तो हम p को 0 रख सकते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं तुम लोग नहीं सोच पा रहे, किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। मैं एक बता देता हूं तुम्हें, मैं इसमें एक बता देता हूं। देखो 1s5 कोई भी बच्चा जो आंसर दे सकता है इनके। वेदांत एक बार टाइम ले ले और क्वेश्चंस कर ले ढंग से, ये गलत किए हैं तूने आंसर दोनों।
सर मेरा यही आ रहा है। वेदांत जी यही आंसर है सर। फर्स्ट एल्कली मेटल जिसमें 2s1 सबसे पहले आएगा वो होगा सोडियम। और बोलो 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 सर। फर्स्ट एल्कली मेटल जिसमें 2s1 सबसे पहले आएगा वो होगा सोडियम और के का ब्लॉक होगा डी। अच्छा तो कॉन्फ़िगरेशन बोलिए एक बार सर। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 1p6 2s2 और 2p1। देखो सर मैं एक बार ये क्या ना वेदांत तेरा आंसर ये गलत है ये वाला। N3 है तो 3 नोडल प्लेन्स जो बोला है ना तूने 3 नहीं आएंगे। किसी और को आंसर बोलना है इसका? वो L इज टू 0 टू 1 है ना 0 टू N+1। हाँ अक्षत चलो एक बार रीजॉइन करो मैं बताता हूँ अभी।